आज का जो प्रेस ब्रीफिंग हमने देने का जो मुद्दा रखा है, आप सभी को पता है लद्दाख में काफ़ी सालों से एक मांग चल रहा था लद्दाख के सेफ गार्ड्स के रिगार्डिंग। तो इसके लिए हमारे लीडर्स जो कुछ दिन पहले दिल्ली में गए थे, 4 तारीख को हमारा उनका जो MHA के साथ जो बात हुआ, तो वहाँ पे एक हमें लगा कि कोई पॉजिटिव वो एक नहीं आया, तो वो एक पूरा एक फेल हुआ है लग रहा है वो जो टॉक। और क्योंकि वो हमारे लद्दाख से रिगार्डिंग, हमारे लद्दाख के सेफ गार्ड से, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, तो इसलिए आज हमने लद्दाख के जितने भी हमारे रिलीजन्स, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, शाह सुनी, हम सारे कम्युनिटीज़ के जो यहाँ पे हेड्स से हमारे जो लीडर्स हैं, हम सब ने ये एक यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है, कल यानी कि 6 तारीख को हम लद्दाख पूरा बंद करने जा रहे हैं। और साथ साथ हमारे जो सेकमोल के सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही एक अपने मीडिया के थ्रू उन्होंने ये कॉल किया है, कल वो अमरण अनशन के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हम उनके सपोर्ट के लिए हम सारे रिलीजन्स ऑर्गेनाइजर निकले हैं। जी तो जैसे रिगन साहब ने अभी कहा कि जो MHA के साथ हमारे एपेक्स बॉडी और गिरी के टॉक्स वो फेल होने की वजह से जितने भी यहाँ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो है ये फैसला लिया है कि हम अपील करें पूरे लद्दाख के आवाम को कि कल जो है लद्दाख बंद रखें। साथ ही साथ जो हमारे भाई सोनम वांगचुक जी हैं वो इसी चीज़ को लेके कल जो है अनशन पे बैठ रहे हैं, उसकी सपोर्ट में हम सारे ज़्यादा से ज़्यादा उनके सपोर्ट में आए। कल पोलोक्रोन में 10 बजे के आसपास हम सभी जो है ये वचन लें कि लद्दाख के लिए, लद्दाख के जो है मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए एक बार सभी जो है एकजुट होके कल सुबह 10 बजे हम सभी पोलोक्रोन में मिलेंगे और अपना जो है इजहार ख्याल, जो प्रोटेस्ट करना है, जो हम हमारा हक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमें नहीं मिला है, उसको जो है हम फिर से जो है यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं जब तक हमें जो है अपना मांग पूरा नहीं मिलता है। तो हम सभी से जो है ये अपील करते हैं कि कल जो है अपना बिजनेस जो भी है वो बंद रखें और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करें। सबको शुक्रिया। इसके बाद इम्तियाज़ जी, आप सबको जुले। अभी रिजिन साहब और रमजान साहब ने तफसील से बताया कि कल लद्दाख बंद कॉल के बारे में, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरे तरफ से ये अपील है कि पिछले जो बीते फरवरी 3 तारीख को पूरा लद्दाख को बंद कॉल ले और कारगिल दोनों एकजुट होकर किया था, मैं देर से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कारगिल के आवाम को, कारगिल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको कल पूरा कारगिल बंद करने का मैं इधर से कॉल इधर से रिक्वेस्ट करता हूँ। उम्मीद है आप भी सब लद्दाख के इस कॉल को अब ताउन करके कल अब लद्दाख बंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इनके वजह से, कुछ बंद करने की वजह से आने वाले दिनों में हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। शुक्रिया।